क्या शहनाज गिल को लगता है कि बॉलीवुड की शुरुआत से पहले ही वह एक पैन इंडिया स्टार है? जी हाँ, शहनाज गिल पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय नाम थी। बिग बॉस 13 में अपने कार्यकाल के बाद वह एक घरेलू नाम बन गई। एक्ट्रेस ने पिछले साल पंजाबी फिल्म हौसला रख में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अब शहनाज सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। खैर, सिनेमा घरों में बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ही शहनाज का कहना है कि उनके दर्शक अखिल भारतीय हैं। शहनाज एंटरटेनमेंट की खबरों में हमेशा सुर्खियों में रहती है। हाल ही में जब उनसे पंजाबी दर्शकों के साथ उनके संबंध के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा, मेरी ऑडियंस तो पैन इंडिया है, तो मुझे तो सारे प्यार करते हैं। तो क्या शहनाज पहले ही से ही सोचती है कि वह एक अखिल भारतीय स्टार है? वैसे उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही इसे साबित कर सकता है। इसी बीच किसी का भाई किसी की जान के अलावा शहनाज 100% में भी दिखाई देंगी, जिसे साजिद खान द्वारा निर्देशित किया जाएगा। फिल्म में जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख और नौरा फतेही भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। और कुछ दिन पहले ही इस फिल्म की घोषणा की गई है। वहीं हाल ही में किसी का भाई किसी की जान की भी आधिकारिक घोषणा की गई थी। टीजर में फिल्म से सलमान का लुक दिखाया गया और अभिनेता के फैंस उनके लंबे बालों को देखकर काफी प्रभावित हुए। साथ ही बता दे, शहनाज ने 4 पंजाबी फिल्म में सत श्री अकाल, इंग्लैंड, काला शाह काला और हौसला रख में अभिनय किया है। अब उनके फैंस उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहनाज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अक्सर वह ट्विटर पर ट्रेंड करती रहती है और यहाँ तक कि अपने फोटोशूट से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। शहनाज की ये खबर आपको कैसी लगी और क्या आप भी शहनाज की फिल्मों के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।